जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है। आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। पाना और खोना तो किस्मत की बात है, मगर एक दूसरे को चाहते रहना ये तो अपने हाथ है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसमें रिश्तों की फिक्र होती है। खुशियां पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, इसीलिए दिल में ही रखने पड़ते हैं। आप बस खुद से खुश रहना सीखो, लोग तो रूठते ही रहेंगे। आजकल अपने ही अपनों को अपना नहीं समझते। जो कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद तो भगवान को भी करनी पड़ती है। जुबान कड़वी, दिल साफ है, कौन कब बदला है, मेरे पास सबका हिसाब है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द, अपना दुख सिर्फ भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। उदासी तुम पर भी बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। महसूस कर रहे हैं तेरी लापरवाही कुछ दिनों से, याद रखना अगर हम बदल गए तो मनाना तेरे बस की बात नहीं है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही ना समझ पाओ। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और उसका प्रसन्न मन है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। यूं तो भूले हैं हम कई लोग पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कोई याद नहीं आया। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता। पैसों के पास जुबान तो नहीं है, पर वो बोलता बहुत कुछ है। बिना आवाज के रोना रोने से ज्यादा दर्द देता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और फिर बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएंगे। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जब इंसान का वक्त बदलता है तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। रात के 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के 12 बजा दिए हों। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि हम सफर कैसा होना चाहिए। मैंने कहा हम सफर ऐसा होना चाहिए जो एक बार अगर तुम्हारा हाथ थाम ले तो फिर कभी ना छोड़े, तुमसे रिश्ता कभी ना तोड़े। चाहे सारी दुनिया तुम्हें गलत कहे, लेकिन अपना भरोसा वो तुम पर कभी ना तोड़े। मतलब से मिलने वाले लोग किसी से मिलने का मतलब कभी नहीं समझ सकते। याद रखना एक बात, आपकी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वही रिश्ता ज्यादा सफल रहता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज्यादा रहता है। आपको जब किसी के साथ फासला महसूस होने लगे तो आपको फासला बना भी लेना चाहिए।